Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 Days of Machine Learning and we are into day 3. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Python में कौन कौन से data types होते हैं. So let's start the video. So guys, Python में अगर आप सारे data types का बात करो तो आप उन सारे data types को तीन categories में divide कर सकते हो, जैसा आप अपने screen पे देख सकते हो. So there are three types. The first one is basic, the second one is container type and the third one is user defined type. बेसिक टाइप में वो डेटा टाइप्स आते हैं जो आपने बाकी सभी जगह देखे होंगे, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे डेटा टाइप्स. फिर बूलियन होता है एज इन ट्रू फॉल्स और स्ट्रिंग होता है, ठीक है. और फिर आता है कंटेनर टाइप्स. कंटेनर टाइप्स ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक सिंगल कंटेनर के अंदर रखते हो. सो इस तरीके के आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं पाइथन में. फर्स्ट इज लिस्ट, जो कि किसी और लैंग्वेज में एरे बोल सकते हो आप इसको, पाइथन में इसको आप लिस्ट बोलते हो. टपल्स जो कि बिल्कुल लिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं. देन देयर आर सेट्स, जो आपने मैथ्स में सेट्स पढ़े थे, और डिक्शनरीज, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है. और एक यूजर डिफाइंड टाइप भी होता है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो चीज आती है वो होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, वो अभी की बात नहीं है. सो अभी मैं आपको बस क्या करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेसिक टाइप्स और कंटेनर टाइप्स कैसे दिखाई देते हैं पाइथन में, ठीक है. सो Let me show you the first one, that is integer. आप ऑलरेडी देख चुके हो, इट्स बेसिकली एनी नंबर, बेसिकली एनी नंबर, एनी इंटीजर, राइट. यहाँ पर एक अच्छी बात क्या होती है कि पाइथन में प्रिसिशन इंटीजर नंबर्स यूज होते हैं, तो प्रैक्टिकली आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि इंटीजर कितना बड़ा हो सकता है. मतलब मैं ट्राई कर रहा था एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट कितना भी बड़ा इंटीजर एंड इट वॉन्ट मैटर. मतलब सी, इतना बड़ा इंटीजर भी पाइथन हैंडल कर पाता है. सो जो रेंज है इंटीजर का वो बहुत बड़ा है. मैं एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कितना बड़ा है, तो एक्चुअली इतना बड़ा है. लेट मी शो यू 307. सो इट इज बेसिकली 10^3 इतने जीरोज है यहाँ पे. ये भी ये प्रिंट कर ले रहा है, लेकिन जैसे मैंने 308 किया था तो वो इन्फिनिटी बताने लग गया था. इन्फिनिटी नहीं, ये भी हो गया आई गेस, या 309 पे इन्फिनिटी बताने लग गया था. तो आई गेस द रेंज इज 1e309, मतलब 10^309 जीरोस भी अगर आपके पास हैं तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो यूजिंग पाइथन का इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है. और ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब दिस इज लाइक एस्ट्रोनॉमिकल. मतलब इसमें आप कितना भी बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो. आप यूट्यूब के सबसे फेमस वीडियो में कितने व्यूज पड़े हैं वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर लो, ये इजिली स्टोर कर लेगा. तो यहाँ पे रेंज का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लोट. फ्लोट बेसिकली मींस डेसिमल. सो आप कोई भी डेसिमल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. यहाँ पे भी जो रेंज है वो बिल्कुल वही है जो आपने ऊपर देखा, एक्सेप्ट यहाँ पे 1.7 होता है. मतलब जितना मैंने पढ़ा है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, बट अगर आप 8 रखोगे तो ये डिस्प्ले कर पाता है. अगेन इट्स अ वेरी बिग नंबर. So for all practical purposes, आप मान सकते हो कि पाइथन में जो इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप होते हैं वो इनफाइनाइटली बड़े होते हैं. मतलब इनफाइनाइटली बड़े नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कभी भी यूज केस आएगा जहां पे आपको इससे बड़े नंबर्स को स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो ये हो गए दो, इंटीजर और फ्लोट. नेक्स्ट आपका होता है बूलियन. पता है हमें ट्रू और फॉल्स. सो लेट मी शो यू ट्रू, प्रिंट फॉल्स. आपको पता है बहुत सारी जगहों पे यूज होता है. हम ग्रेजुअली जब इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम बूलियन वैल्यूज को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है. एक स्पेशल चीज जो पाइथन में मिलती है जो मुझे बाकी लैंग्वेजेस में नहीं दिखी वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. तो आपने हाई स्कूल मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, समहाउ पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सपोर्ट है. सो कल को अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जो मैथमेटिक्स के डोमेन में है, वहां पर हो सकता है आपको ये डेटा टाइप काम आ जाए. अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया इस डेटा टाइप को, ठीक है. जो अगला डेटा टाइप है वो बहुत काम का है, बिकॉज इट इज स्ट्रिंग. क्योंकि आप एट द एंड पाइथन इज अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे आप यूजर्स के लिए एप्लीकेशंस बना रहे हो, तो वहां पर स्ट्रिंग्स का बहुत यूज हो जाता है. स्ट्रिंग्स को आप कई तरीके से लिख सकते हो पाइथन में, यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यूजिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप यूज करोगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ
आप इनमें से कोई भी चीज यूज करो आपको एरर नहीं मिलेगा, सबका मतलब सेम है, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट टाइप्स विच इज बेसिक टाइप्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कंटेनर टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब कंटेनर टाइप्स के ऊपर हम बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे, मतलब ईच वन ऑफ देम विल हैव अ सेपरेट डे, मतलब एक पूरा दिन हम लोग तीन चार पांच वीडियोज जो रहेंगे वो सिर्फ लिस्ट के ऊपर रहेंगे, फिर उतने ही वीडियोज टपल्स के ऊपर रहेंगे, तो इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी इस वीडियो में आई जस्ट शो यू कि ये दिखते कैसे है, ठीक है। सो अगर हम बात करें लिस्ट का सबसे पहले, तो लिस्ट वही है जो किसी और लैंग्वेज में एरे होता है। सो अगर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कुछ आइटम्स को सेपरेट कर दो कॉमा लगा करके, तो वो लिस्ट बन जाता है पाइथन में, और किसी और लैंग्वेज में आप इसी को एरे बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टपल। टपल इज अगेन अ डेटा टाइप विच इज क्वाइट सिमिलर टू पाइथन का लिस्ट, बट इसका एक बहुत अलग यूज होता है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम टपल्स पढ़ रहे होंगे। फिलहाल बस एक डिफरेंस आप जान लो कि जब आप टपल्स क्रिएट करते हो तो आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हो, जब आप लिस्ट बनाते हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो। इस पॉइंट पे सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेट्स। सेट्स वही है जो आपने हाई स्कूल मैथ्स में पढ़ा होगा, सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, वो सेम चीज को इन लोगों ने एक डेटा टाइप में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। और सेट को डिफाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट लाइक दिस। सो इस पॉइंट पे अगर आप देखो लिस्ट, टपल और सेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो भी विजिबल डिफरेंस है वो ब्रैकेट्स के यूज में है, ठीक है। एंड द लास्ट डेटा टाइप इज डिक्शनरी। डिक्शनरीज आर वंडरफुल, बहुत यूजफुल होते हैं, और सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें सर्चिंग बहुत फास्ट होता है, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे डिक्शनरीज के केस में। बट यहाँ पे होता क्या है, डिक्शनरी में आप की वैल्यू पेयर्स बनाते हो। लेट मी शो यू अ की वैल्यू पेयर। सो एक की है नेम, उसका वैल्यू इज नितिश, एज 30, जेंडर मेल। नाउ दिस इज अ डिक्शनरी, दिस इज अ डिक्शनरी। यहाँ पे आप देखो तो तीन की वैल्यू पेयर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट की वैल्यू पेयर जिसमें की नेम है, वैल्यू नितिश है, सेकंड एज इज अ की, 30 इज द वैल्यू, जेंडर इज अ की, मेल इज द वैल्यू, ठीक है। तो ये भी एक डेटा टाइप है जो आप बहुत यूज करने वाले हो आगे जाकर के। तो इस पॉइंट पे फॉर इंट्रोडक्शन आई गेस इतना सफिशियंट है कि हम एक बार देख लें सारे डेटा टाइप्स, और हमने देख भी लिया। सो बेसिक टाइप्स और कंटेनर टाइप्स हमने कवर कर लिया। यूजर डिफाइंड टाइप्स हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इस कोर्स में, वहां पर इसको पढ़ने में ज्यादा लॉजिकल है। इस पॉइंट पर बस आप जान लो कि एक थर्ड टाइप भी होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर कमेंट्स।